अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उन, उ, 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 उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी बाबा और आईए में आमने सामने था, इसी बीच उनके खास सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का वो ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जयालाल पे वार किया और इस देश में क्रिश्चियनिटी लाने की बात कही कि इसके लिए बाकायदे एक षड्यंत्र किया जा रहा है। अभी इस पर बहस चली रही थी, इसी बीच उत्तराखंड आईएमए इकाई ने बाबा रामदेव को 1,000 करोड़ का मानहान का नोटिस भेज दिया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 दिन के अंदर जो कुछ भी आपने अनर्गल बातें की है उसका एक स्पष्टीकरण वीडियो जारी करें, उसमें माफ़ी मांगें और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आप पे 1,000 करोड़ का मानहान का दावा करेंगे। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। साथ में ये भी कहा गया कि कोरोना को लेकर के जो जगह जगह आप विज्ञापन दिए हुए हैं कि कोरोना से ठीक करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो भी विज्ञापन हटाइए। बाबा रामदेव इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं और उनकी लीगल टीम कैसे रिएक्ट करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आईएमए इस बात को लेकर के बहुत उद्वेलित और दुखी है कि उसके लगभग 1200 डॉक्टर इस कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। इसके बावजूद इस संकट काल में जब डॉक्टर्स जो है लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं, बाबा रामदेव अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और सरकार का जो अप्रोच है वो बाबा रामदेव के प्रति बहुत ही सॉफ्ट है। अदरवाइज देश का स्वास्थ्य मंत्री पहले बाबा रामदेव से बात करता है और फिर चिट्ठी लिखता है। स्वास्थ्य मंत्री भी खुद ENT स्पेशलिस्ट है, उसी एलोपैथी का डॉक्टर है जिसका आईएमए प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि बात साफ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकार का साफ रुख है बाबा रामदेव के खिलाफ को लेकर के, और यही वजह है कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो है लगातार आईएमए और एलोपैथ पे वार कर रहे हैं। बड़ा सवाल बन गया है, अब ये देखते हैं कि सिर्फ उत्तराखंड इकाई ही नहीं बल्कि दिल्ली इकाई जो आईएमए का है वो भी जो है बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पक्ष में है, FIR दर्ज कराने के पक्ष में है। आईएमए आखिरकार क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है और क्या इसमें कारण बन सकते हैं, क्या वजह हो सकती है, ये सब देखा जा रहा है। लेकिन अभी इंतजार रहेगा कि बाबा रामदेव इस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे ही बाबा रामदेव का जवाब आएगा पता चलेगा कि वो आईएमए को कितना सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि बाबा रामदेव का भी हालिया जो बयान आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वो कह रहे हैं साफ साफ कि उनका बाप भी गिरफ्तार नहीं करा सकता। यानी कि आप समझिए इशारों को, वो क्या कहना चाहते हैं, किसके बल पर बोल रहे हैं। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। गौर करेंगे और जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।